दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अपना जो वर्चुअल डेबिट कार्ड, अगर आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ कुछ ऐसा एरर दिखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ साइड में देख सकते हैं जो डेबिट अकाउंट इज इनएक्टिव स्लैश डोरमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला है प्रॉब्लम आपको क्यों दिखने को मिल रहा है और ये प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद कस्टमर केयर से बात करके मैं आप लोग को लाइव बताऊँगा और इसका प्रोसेस क्या बताऊँगा, क्या करना होगा तो ये प्रॉब्लम को ठीक होगा और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और आपको कैसे ठीक कराना होगा। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए दोस्तों मैं अपना जो आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पहले चलता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे कैसे आपको ठीक करना होगा। तो जैसे कि मैं सबसे पहले अपना जो आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं, उसके बाद जो भी अपना पिन यहां बनाए होंगे आपको एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे कि मैं अपना जो पिन वगैरह डाल के यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ हमारा पूरा इंटरफेस खुल के आ चुका है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का। यहाँ से बैलेंस अगर आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 109 रुपये बैलेंस है। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आप रुपये डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पर आते हैं तो इस पर हम जैसे पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको जो भी अकाउंट है इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद देख सकते हैं एरर हमको दिखने को मिल गया है। जैसे कि देख सकते हैं डेबिट अकाउंट इज इनएक्टिव स्लैश डोरमेंट, यानी बता रहा है कि डेबिट अमाउंट जो भी है इनएक्टिव कर दिया गया, डोरमेंट कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया। तो आपको क्या करना होगा और प्रॉब्लम आपको क्यों दिखने को मिल रहा है इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ प्रॉब्लम आपको दिखने क्यों मिल रहा है, उसके बाद मैं कस्टमर से बात करके बताऊँगा आपको कस्टमर ने क्या उपाय बताया और आपको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले आपने जो काफ़ी समय से अकाउंट ओपन करवाया है लेकिन अब बहुत पुराना अकाउंट हो चुका है और इसमें ज़्यादा आपने लेन देन यूज नहीं किया है, इसी की वजह से आपको डेबिट अकाउंट इनएक्टिव कर दिया गया है। अब वो कैसे आपको ठीक करना होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग को वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जैसे कि आपका डेबिट अकाउंट इनएक्टिव कर दिया, डोरमेंट कर दिया, ताकि आप इससे लेन देन भी नहीं कर पाएंगे, इससे अगर आप पैसा भी ट्रांसफर करेंगे तो पैसा ट्रांसफर आपका नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप यहाँ से बैलेंस देख सकते हैं और इसमें अकाउंट में बैलेंस अपना ऐड कर सकते हैं, बैलेंस इसमें डाल सकते हैं, इसमें से आप बैलेंस किसी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर या जो फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या लेन देन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसमें आपको डिपॉजिट होगा पैसा, इसमें से पैसा बाहर नहीं निकलेगा, किसी को पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको ठीक कैसे करना होगा तो मैं चलिए दोस्तों कस्टमर की तरफ ले चलता हूँ, कुछ कस्टमर से बात करके उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे इसे ठीक करना होगा, कैसे प्रॉब्लम आपको ठीक होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए एक दबाएं। वर्चुअल डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर हिंदी। नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। मैं पिंकी, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जैसे एटीएम कार्ड का जो शो का दिख रहा है ना मोबाइल बैंकिंग द्वारा, तो उसमें लिख रहा है कि यू डेबिट अकाउंट इज इनएक्टिव स्लैश डोरमेंट। ठीक है, जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, जब आप अपना कार्ड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका अकाउंट बंद बताया जा रहा है। जी जी, आप असुविधा के लिए बहुत माफी चाहती हूँ, मैं पूरी सहायता करूंगी इस विषय में। थोड़ा समय दीजिए, लाइन पे बने रहिए, मुझे जांच करनी होगी, थोड़ा समय दीजिएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी अपना वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको नजदीकी शाखा में जाके संपर्क करना होगा, क्योंकि अगर बंद भी होगा वैसे भी आपको जाना ही पड़ेगा नजदीकी शाखा में। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे डेबिट अकाउंट इज इनएक्टिव स्लैश डोरमेंट? इनएक्टिव स्लैश डोरमेंट का मतलब होता है जब अकाउंट में आप बहुत दिन तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तब आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को सुना ही होगा, कुछ देर के लिए मैंने आप कस्टमर केयर से बात करके रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताया है। तो ये प्रॉब्लम आपको ठीक करने के लिए आपको नज़दीकी केवाईसी सेंटर में जाना होगा, जो भी आप वहाँ खाता खुलवाए हैं वहाँ जाना पड़ेगा और आपको उसको बोलना होगा कि री केवाईसी करने के लिए आपको दोबारा से खाता इनएक्टिव को एक्टिव हो जाएगा, आपको री केवाईसी फिर से आपको बायोमेट्रिक लगेगा और आधार कार्ड आपको ले जाना होगा, उसके बाद आपका अकाउंट री केवाईसी कर देगा। तो आपको 3 दिन के अंदर में आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, री केवाईसी करने के 72 घंटे के बाद ही आपका अकाउंट से लेन देन कर पाएंगे और आप वर्चुअल डेबिट आपका शो करने लगेगा। तो आप जाकर अपने नजदीकी शाखा में अपना केवाईसी कराइएगा, री केवाईसी बोल दीजिएगा, री केवाईसी कराना है तभी आपका अकाउंट ठीक होगा। इसके अलावा आप कोई भी ऑनलाइन वगैरह ठीक करना चाहेंगे तो आपका अकाउंट ठीक नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही जानकारी देने वाला था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।